ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ ಹಲೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೇಷನ್ ಟಿವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌಸಿಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಐಟಿಐ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಿರಾಜ್ ಹೆಲ್ಡರ್ಟ್ ಗೌಸಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊಸೂರ್ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ Eight teams had participated in the tournament. The chairman, Mr. Ahmad Sharif Siraj of Gausia ITI College, Bangalore, said this is the first tournament. In coming days, every year they will conduct the tournament. Alameen Ratna, Mr. Subhan Sharif, secretary, said in the press conference, coming days state-level tournament will be played in this campus. This tournament was won by Chikbarapur Government ITI College. Mr. Umar Ismail Khan, Secretary of Gausia Industrial Trust, said, "My father was very much interested in sports. During COVID-19, sports activities were not there, so they conducted volleyball tournament. Encouragement for students will be given. Coming days, they conduct extra curriculum activities to the students." Mr. Nasir Khan, principal of IT College, staff students were present. Watch exclusive report from Gausia Industrial Campus, Bangalore. गौसिया कैंपस में गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स को तरजीह देने के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनखाद किया गया और ये अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पर 8 टीमें आईटीए के जो 8 टीमें हैं वो यहाँ पर खेल में हिस्सा लिए और इस टूर्नामेंट का वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो खिलाया गया आज इस टूर्नामेंट का नाम अहमद शरीफ सिराज जो गौसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनके नाम से इस आईटीआई वॉलीबॉल टूर्नामेंट को इसका नाम दिया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज पहला टूर्नामेंट रहा इंशाअल्लाह हर साल इंशाअल्लाह हर साल ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया जाएगा ताकि स्पोर्ट्स को यहाँ पर तरजीह दी जाए और आईटीए के गौसिया आईटीए के ज़ेर तमाम ये जो
गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रिश के मैनेजमेंट के ज़ेरे तमाम चलाया जाता है। हम चाहते हैं कि सारी रियासत में जो ITIs हैं उनको यहाँ पर मधु करके स्पोर्ट्स में तरजीह दिया जाए। आज के इस टूर्नामेंट में गौसिया इंडस्ट्रियल गौसिया ITI की जो टीम थी वो रनर शिप हुई और गौसिया इसके साथ जो चिकबालापुर की ITI गवर्नमेंट की ITI टीम ने यहाँ पर टूर्नामेंट जीता, जो जिसमें तकरीबन 8 टीमें हिस्सा लिए और सुबह से शाम तक ये टूर्नामेंट चला यहाँ पर। इस मौके पर हम ही यहाँ पर स्पोर्ट्स को कायम करने और इसको तरजीह देने के लिए अल्लाह ताला ने अच्छा मौका इनायत फरमाया। ये जो है लास्ट ईयर भी हम एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट करे थे, बड़े ग्राउंड में करे थे, एक 20 टीम पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अब कोविड का ज़माना है तो सिर्फ 8 टीम ऑन इन्विटेशन हमें बुलाए, बेंगलोर की टीम है और एक चिकबालापुर की टीम है, उस वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। ये जो है पहले से हमारा स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स को इनक्रेज करने की पहले से हमारा, ये हमारे मेरे वालिद साहब से जो है पहले से जब अलमीन शुरू करे तब से अलमीन स्पोर्ट्स क्लब, अलमीन एथलेटिक क्लब और ये स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहने से ये मेरे में भी ये स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करने की ख्वाहिश है और बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना और स्पोर्ट्स डेवलप करना ये बहुत मेरी ख्वाहिश है। जैसा आप देख रहे हैं तो लास्ट टाइम एक हमें क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे थे और वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे थे, इस बार भी वो करना चाह रहे थे लेकिन कोविड की वजह से सिर्फ वॉलीबॉल टूर्नामेंट करें और इस बार हमारे ग्राउंड में करें, हमारे कैंपस के अंदर एक ग्राउंड रेडी करके वॉलीबॉल टूर्नामेंट करें। बहुत अच्छा रहा टूर्नामेंट और बच्चे बहुत अच्छे से खेले, बहुत इंजॉय करें और हमारे ITI गौसिया ITI जो है रनर अप आई, सर MVIT टीम जो है वो फर्स्ट आई। इंशाल्लाह आगे भी हमें बच्चों को स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंकरेज करना चाह रहा हूँ। गौसिया ITI के जो बच्चे बहुत टफ रहते हैं और 2 साल का कोर्स कम्प्लीट करके वो जॉब्स में चले जाते हैं, तो वैसे बच्चों को हम स्पोर्ट्स में भी इंकरेज करने से उनको एक खुशी का माहौल मिलता है और बच्चों जो है आज बहुत दिन के बाद उनको जो ये कोविड के वजह से जो बंद थे और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं थी आज सब जो है खेल के बहुत एंजॉय करें। क्रिकेट टूर्नामेंट मेरा वालिद अलाज नबी शरीफ साहब का फुटबॉल टूर्नामेंट और ये इसी थर्ड वन या तीसरा है। हमारी कोशिश यही है कि स्पोर्ट्स के मैदान में भी हमारी कौम आगे आए और मुल्क का नाम रोशन करे। इल्म के साथ ये भी एक बहुत ज़रूरी है, बड़ी मेहनत ने किया हम लोगों ने। In favor of Chikkabalapura, once again service Chikkabalapura to Bangalore. First match from Bangalore. Oh. Now service in favor of Chikkabalapura, service Chikkabalapura to Bangalore. सर्विस चिकबालापुर टू बेंगलुरु Hey!